स्पीक अबाउट इट, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? जिस तरीके से इस बच्ची के साथ मदरसे में गलत हुआ है, जो रेप करा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक जैसे सबके सब बदनाम होते रहेंगे। गवर्नमेंट ने बताया कि 12 साल से पहले जो जिसके नीचे रेप होगा उसको चाहिए। जो 11 साल की बच्ची है जिसके साथ हुआ है ये अपने गाजीपुर में, बहुत गलत हुआ है, इसके फांसी मिलनी चाहिए उसको। तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? फांसी फांसी फांसी, बलात्कारी को फांसी। दोस्तों, क्या हम भी सच्चाई से मुंह मोड़ लें? क्या हम भी सब कुछ जानते हुए पीछे हट जाएं? नहीं दोस्तों, ये साफ तौर पर एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला है। दूसरों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले और खुद बलात्कार का षड्यंत्र रचने वाले उस मौलवी समेत उन सभी आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना होगा जिन्होंने ये घिनौनी साजिश रची थी। अगर पीड़िता का परिवार समय पर मदरसे में न पहुंचा होता तो ये हैवान न जाने उस फूल सी मासूम बच्ची के साथ कैसी कैसी दरिंदगी करते। मैं तो कहता हूँ ऐसे मदरसों को ही बंद कर देना चाहिए जिनमें ऐसे घिनौने बलात्कारी पनपते हो। दोस्तों, कोई नेता आगे आए या ना आए, कोई अभिनेता कुछ बोले या ना बोले, कोई मीडिया कर्मी सच्चाई को दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हम सब ने मिलकर गीता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठानी होगी, ताकि हमारा पुलिस प्रशासन नींद से जागे और बलात्कारी मौलवी समेत अन्य सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जब सभी बलात्कारियों को सजा होगी तभी गीता को सच्चा इंसाफ मिलेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। गाजीपुर के थाने पर है, दिखाएं एक बार थाना जो पीछे दिख रहा है, और बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। लेकिन जो दर्द एक मासूम को, एक 11 वर्ष की मासूम के साथ जिस तरह से चार चार के मौलवियों ने जो दरिंदगी दिखाई, उसको षड्यंत्र के तहत एक बार फिर एक नाबालिग को जेल में घुसेड़ दिया गया कि इसने किया है जी जो कुछ किया है, जिससे मौलवी सुरक्षित रहे। याद रखना, आज ये बच्ची है, कल तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तो भी कोई नहीं आएगा, ये राम ज्यादे ही आएंगे, चार छह। आज अगर आप जगने नहीं सीखे तो जो इस 11 वर्ष की मासूम बच्ची में दिखा था ना, वो सब कुछ आपकी बच्ची में भी इन हरामजादों को दिखेगा। मैं ये चाहता हूँ जब तक उस 11 साल की मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा, उन कुत्तों के ऊपर लाल कलम की शाही, लाल शाही की कलम नहीं चलेगी उनके नाम के ऊपर, यानी फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं चल ग्रहण नहीं करूंगा। और जरूरत पड़ी तो मैं जमीन के अंदर धरती माता के अंदर समाती ले जाऊंगा, और उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मदरसे में या जहाँ पे भी ये काम होता है, उन जगहों को सील किया जाए और जितने भी जुड़े हुए उन्हें सजा दी जाए, और कुछ नहीं, उस लड़की को न्याय। क्या न्याय मांगती है ऐसे बलात्कारियों के लिए? क्या होना चाहिए? ये बलात्कार करने वाले कौन थे? बलात्कार हुआ कहाँ पे, उस जगह का नाम बताइए। एक मिनट, आप बताइए। मदरसे मस्जिद में नीलमणि कॉलोनी, मदरसे मस्जिद में, नीलमणि कॉलोनी, मदरसा मस्जिद में। ये जिस तरह के अब हमारे घर में होगा, हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आज अगर किस तरीके से 11 वर्ष की मासूम बच्ची को ले गए, क्या कुछ बताना चाहेंगी? वो दिल्ली से उठाई गई थी और उसे काफी पहले से परेशान किया जा रहा था, उन लोगों ने उसी 11 वर्ष की बच्ची को परेशान किया जा रहा था। उसी गली में मुल्ला जी रहते भी थे, वहाँ के जैसे उसी गली में। उन मुल्ला जी का नाम पता है आपको? नाम नहीं पता है। अच्छा, वो मौलवी मदरसे में शिक्षक था। और ये
सभी ये जानने के इच्छुक है पूरे देश में, लाखों लोग भी देखेंगे, ये इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने के इच्छुक हैं जो कुछ जात के हत्या को बलात्कार का नाम देकर देश सर पे उठा लेते हैं, जस्टिस फॉर ऑल न कह करके जस्टिस फॉर आसिफा के नाम पर देश को धर्म बलात्कार का धर्म बता देते हैं। हम उनसे पूछ तो रहे हैं अभी वो कहाँ है, लोग अब कहाँ है, ये भी तो एक बेटी है, जैसे वो एक बेटी थी उसके लिए सबने आवाज उठाई, हमारी क्या नाम है दिल्ली सरकार की जो महिला आयोग की वो थी, वो स्वाति मालीवाल, स्वाति मालीवाल वो धरने पे बैठ गई थी, आज कहाँ है वो, कहाँ है वो स्वाति माल, एक बयान नहीं आया उनका, और रोड क्रॉस करके दिल्ली सरकार का एक मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार का एक मुर्दाबाद, एक कोई भी मिलता है दिल्ली सरकार का है नहीं आया, अगर आसपा है तो ढूंढा जाता है, अगर आसपा है तो ढूंढा जाता है, और अगर ये उपाध्याय की बच्ची है तो क्या है, नहीं फिर तो ये क्या इस बच्ची को दर्द नहीं होता, इसको दर्द नहीं होता जी, अगर इसको दर्द होता तो दाढ़ी वाले मुल्ले पकड़ने के बाद छोड़ दिए नहीं जाते, डीसीपी साहब से हमने डीसीपी साहब से लगातार 3-4 बार वार्ता की, 4 लड़कों कई बार ऐसे मौजूदा लोग समाजों के और संस्थाओं के मिले, लेकिन रिजल्ट यू का यू ही रहा, इनके अंदर का जो हिंदू है वो मर चुका है, ये जो आज मीडिया नहीं दिखा रही है, मेरे भाइयों मीडिया नहीं दिखा रही है, ये आप सभी पुलिस हमारे साथ नहीं दे रही है, हमारे भैया क्या कहना चाहते हैं कि आज एक अफवाह का अगर बलात्कार हो जाता है तो मैंने देखा कि पूरा देश, पूरी मीडिया, पूरी भांड सेलिब्रिटीज उस मीडिया आसिफा के नाम का हत्या को बलात्कार घोषित कराने के लिए पूरे देश में उत्पात मचा देते हैं, लेकिन आज इस 11 वर्ष की मासूम के लिए आप देख रहे हैं क्या हालत है, बड़ी शर्म आ रही है, हिंदू को डूब के मर जाना चाहिए, हिंदू को केवल हिंदू होना चाहिए, अगर निचोड़ में पहुंचूं कोई जाट नहीं, गुजर नहीं, पंडित नहीं, ठाकुर नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल हिंदू होना चाहिए, ये है कि आसिफा के लिए जो लोग पूरा देश सर पे उठा रहे थे, स्वाति मालीवाल बोल रही थी मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, लेकिन आज इस बच्ची के लिए नहीं आ रहे, क्या वजह क्या लगती है, वजह ये है कि ये सोचते हैं कि मुसलमान ही केवल वोट देता है, वजह वोट की है और वजह इनकी एकता की है, हमें अपनी एकता बनानी चाहिए, हमें अपनी एकता बनानी चाहिए और इस एकता को इस तरीके से दिखाना चाहिए जिस तरीके से हम लोग यहाँ सड़कों पे हैं, इस ताकत के साथ ये सब भाई हमारे साथ नहीं, नोएडा आज भी हम सब नोएडा में बैठी मीडिया कठुआ पहुंच जाती है यहाँ से 800-1000 किलोमीटर दूर, लेकिन नोएडा में बैठी मीडिया मात्र 9 किलोमीटर दूर गाजीपुर नहीं आ रही है, इसकी क्या वजह है, क्या मीडिया को भी कोई विशेष इंटरेस्ट रहता है, मीडिया तो मीडिया है, मीडिया तो भ्रष्ट है, इसको तो जहाँ से पॉपुलरिटी मिलती है, क्योंकि हमारे सेक्युलर नेता है ना, सेक्युलर